उत्तर प्रदेश में इस वक्त रैलियों का तांता लगा हुआ है। सभी दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच यूपी में एक ऐसी घटना घट गई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल बीते दिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है और उसने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कौन है हमलावर और क्या था उनका मकसद, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के चलते यूपी में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। उसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीते दिन मेरठ के किठौर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और सभा के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन हापुड़ जिले में गुरुवार की शाम को ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी की गई। हालांकि ओवैसी समेत किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी के होने के बाद यूपी की योगी सरकार पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरोपी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की हुई है, जिसकी स्लिप सचिन ने सोशल मीडिया पर भी डाली हुई है। इसके अलावा सचिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही है। इसके अलावा सचिन हिंदू नाम से सचिन पंडित का प्रोफाइल है, जिसमें उसने खुद को हिंदू संगठन का सदस्य बताया है। आरोपियों का कहना है कि ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद ओवैसी के समर्थकों में आक्रोश है, जिसके चलते पार्टी के सदस्य देश भर में आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी ओवैसी के दिल्ली स्थित घर के बाहर तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ करने वाले भी हिंदू सेना के सदस्य थे। वहीं इस बार फायरिंग करने वाले आरोपी की तस्वीर सीएम और डिप्टी सीएम के साथ होना योगी सरकार पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में चुनावों से पहले योगी सरकार एक बार फिर मुश्किल में फंस गई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई आरोपियों का सीएम से कनेक्शन है? क्या बीजेपी ने करवाई ये घटना? खैर, ये तो जांच होने के बाद सामने आ ही जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।